हाय गाइस आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है वेदर स्त्री धन इज एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन निगलेक्ट इन रिटर्निंग द स्त्री धन लीड्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी ठीक है कि जो स्त्री धन होता है स्त्री माने वुमेन धन माने प्रॉपर्टी एक औरत की प्रॉपर्टी वुमेन्स प्रॉपर्टी अगर किसी को दी जाती है रखने के लिए क्या वो एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है और अगर कोई उसे रिटर्न नहीं करता है तो क्या सेक्शन 406 इन्वोक हो जाता है इट मस्ट बी प्रूव दैट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज अलेस्ट टू हैव बिन कमिटेड वॉज वेस्टेड इन सम पर्सन अदर देन दक्यूज एक्यूज यहाँ हो गया यहाँ पर एक्यूज के पास प्रॉपर्टी है एम की और बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी का वो भी एम के पास ही होना चाहिए ए ने सिर्फ उस प्रॉपर्टी को रख रखा है एंड दैट अक्यूज हेल्ड दैट प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन ए ने अक्यूज़ ने एम के बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी को रखा हुआ है द ट्रांसफर रिमेन्स द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ट्रांसफरी हैज़ ओनली द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी अगर मैं अपने प्रॉपर्टी किसी और को रखने के लिए दे रही हूँ संभालने के लिए दे रही हूँ तो लीगल ओनर तो मैं ही रहूँगी जिसको मैंने दिया है उसके पास उस प्रॉपर्टी की सिर्फ कस्टडी है एवरी पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मनी बाय वन पर्सन टू अनदर डज नॉट अमाउंट टू एंट्रस्टमेंट कोई भी पैसा मैं दे देती हूँ अगर किसी पर्सन को तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एंट्रस्टी की है अनलेस देर आर सर्कम स्टांसेज अर इट फ्रॉम विच वन कैन गैदर दैट इट वॉज एन एंट्रस्टमेंट एंड नॉट अ मेयर पेमेंट आपको सरकम से देखना होगा समझना होगा कि ये एक एंट्रस्टमेंट थी कुछ और नहीं था ठीक है जैसे अब हम स्त्री धन की बात कर रहे हैं तो जो लेडी होती है जिसकी शादी हुई होती है जैसे उसके पास गोल्ड होता है उसे गिफ्ट्स मिलते हैं उसकी जो और भी प्रॉपर्टी होती है तो जब वो अपने मैट्रीमोनियल होम में जाती है तो जनरली अपने मदर इन लॉ को या अपने हस्बैंड को वो सारा सामान दे देती है कि ये आप रख लीजिए जब मैं डिमांड करूँगी आप मुझे दे देना वो यही होता है ना कि वो उस ब्राइड का ही है किसी और को तो नहीं दे देती वो कि अब आपका हो गया तो वो सारी प्रॉपर्टी उसकी स्त्री धन होती है इट कैन नॉट बी सेड दैट वेन वुमन एंटरिंग हर मदर इन लॉज होम द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स ज्वाइंट विद हर हस्बैंड तो ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे ही एक लेडी एक अपनी मदर इन लॉ के घर में जाती है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसके हस्बैंड के साथ ज्वाइंट हो जाती है ऐसा नहीं होता वो उसी की रहती है The husband and his parents should be deemed to be trustees and bound to return the same when demanded by her. तो जो हस्बैंड है या उसके पेरेंट्स हैं वो सिर्फ ट्रस्टीज़ की तरह एक्ट करते हैं और जैसे ही वो मांगती है उनको उसको लौटाना ज़रूरी होता है आपने कई बार देखा होगा अगर तो सेक्शन फोर नाइन्टी ए केसेज के के आज काफ़ी कह सकते हैं ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा मेट्रीमोनियल केसेज में हमेशा ये केस हो जाता है लेकिन साथ में फोर भी होता है ये फोर हंड्रेड सिक्स किसके लिए होता है जो प्रॉपर्टी एक विमेन की थी ब्राइड की थी दुल्हन की थी वो प्रॉपर्टी अपनी रिकवर कराने के लिए वो सेक्शन फोर हंड्रेड सिक्स का सहारा लेते हैं तो जो भी उसका सामान उस घर में रह गया होता है उसको रिकवर करने के लिए पुलिस वाले फोर हंड्रेड सिक्स में आके अपना उस लेडी का सामान सारा का सारा लेके जाते हैं तो आप देखोगे अगर आगे से आप ध्यान रखोगे तो 406 भी लगा होता है फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो ब्राइड ने या दुल्हन ने या उस लेडी ने जिसने एलिगेशन लगाई हैं उसने अपनी सास को या अपने हस्बैंड को या अपने फादर इन लॉ को एंट्रस्ट करी थी कि जब मुझे चाहिए होगी मैं ले लूँगी वेयर द एलिगेशन ऑफ एंट्रस्टमेंट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ स्त्री धन वॉज मेड आउट बाय द मैरिड वुमन इन हर कंप्लेंट एंड द एलिगेश वर क्लियर स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगस ऑल द फैक्ट स्टेटेड इन द कम्पलेट कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन फोर हंड्रेड सिक्स ऑफ आई पी सी कि अगर उसने बोला है कि और उसकी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट हो गई है जो उसने एंट्रस्टमेंट करी थी और उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया गया है और जो एलिगेशन थी वो क्लियर हैं स्पेसिफिक है अनएम्बिगुअस हैं है, कोई भी डाउट नहीं है जो वो बोल रही है वो सच है बिल्कुल तो उस केसेज में फोर हंड्रेड सिक्स आई पी सी लग जाएगा ठीक है तो जैसे हम अब कुछ केस लॉस देखते हैं Rashmi Kumar versus Mahesh Kumar Bada, it was held that when the wife entrusted her Stridhan property with the dominion over that property to her husband, or other member of the family, and the husband or such other member misappropriates or converts to his own use that property or willfully suffers any other person to do so. ही कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कोई भी जो भी प्रॉपर्टी जो भी स्त्री धन था उस वाइफ का अगर उसका हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर अगर उसे मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या अपने यूज में लगा लेते हैं तो उन केसेस में उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हुआ होगा ठीक है तो बेसिकली जो भी एक लड़की के पास सामान होता है जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है विमेंस प्रॉपर्टी होती है अगर वो अपने इन लॉस को देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी हो गई इट्स जस्ट कि वो उन्हें इंटरेस्ट करती है उस प्रॉपर्टी को इन भास्कर लाल शर्मा वर्सेस मोनिका देर वर एलिगेशन मेड बाय द वाइफ अगेंस्ट अपीलेंट्स पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ हर स्त्रीधन ठीक है वाइफ ने एलिगेशन लगाए कि जो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया है इट वॉज़ हेल्ड दैट टेकिंग अवे बाय द मदर इन लॉ ऑफ गिफ्ट एंड कैश ऑफरिंग्स टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ अर मैरिज अमाउंट ट्रो मिसअप्रोप्रिएशन जो भी कोई गिफ्ट ब्राइड को मिले थे वाइफ को मिले थे उसकी शादी के दौरान या जो भी पैसे मिले थे अगर वो अपनी सास को देती है तो अगर उसकी मदर इन लॉ अपने यूज में लाती है मिसअप्रोप्रिएट कर लेती है उस प्रॉपर्टी को उस स्त्री धन को तो फिर ऑफेंस क्रिएट हो जाता है देर वॉज एंट्रस्टमेंट ऑफ सम प्रॉपर्टीज एंड और डोमिनियन ओवर देम टू द मदर इन लॉ सिर्फ वो एंड्रस्टमेंट की गई थी और कुछ नहीं अ केस इज़ मेड आउट अगेंस्ट हर अंडर सेक्शन फोर हंड्रेड सिक्स तो जो केस है वो बन गया है अंडर सेक्शन फोर हंड्रेड सिक्स हाउ एवर एनी गिफ्ट मेड टू ब्राइड ग्रूम और हर पेरेंट्स दूल्हे को या उसके पेरेंट्स को जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं किसी भी कस्टम या लॉ के हिसाब से तो वो आपका सेक्शन फोर हंड्रेड सिक्स में नहीं आते क्योंकि वो उनको गिफ्ट्स दिए गए थे उन्हीं के थे इसी के साथ दोस्तों एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि स्टडी आई क्यू ने कोर्स लॉन्च कर दिया है हरियाणा यूपी वेस्ट बंगाल बिहार पंजाब एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान हिमाचल दिल्ली उड़ीसा एक कंबाइंड नॉर्मल सा पीसीएस कोर्स भी है झारखंड के लिए इसमें आपके लोकल एक्ट्स भी कवर हो रहे हैं आपकी जनरल नॉलेज भी कवर हो रही है स्टैटिक जी जो आती है वो भी है तो आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं अगर आपको ठीक लगे आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच